अब तो सीधे खंजर भोंका है जेडीयू बीजेपी ने मिल करके मुकेश सहनी जी के दिल में और मांझी जी के दिल में। अब इनको कौन पूछता था, तो मल्ला समाज निषाद समाज का बेटा को अपमानित किया जा रहा है वहाँ। अब वो सोचे उनको क्या करना है, जो गलती उन्होंने की आज तो पता चल रहा होगा। बीते दिन एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें साफ तौर पर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो सीट का बंटवारा था वो हो गया है। आपको बताते चले कि जेडीयू के हाथ में 11 सीट, वहीं जो बीजेपी है वो 12 सीट पे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है अब वो बौखलाए हुए हैं। उनका कहना है कि आज हम साथ हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि 2024 में हमें वो साथ रखेंगे, क्योंकि जब आज रख रहे हैं तो 24 में क्या भरोसा उनका। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सर, अब जो मुकेश सहनी है उनका जो दर्द है वो छलक रहा है, कह रहे हैं कि जब अभी नहीं रखे तो 24 में क्या रखेंगे। नहीं देखिए, मुकेश सहनी जी तो पहले भी एनडीए ने धोखा दिया था, जब गवर्नर कोटे से एमएलसी का चुनाव मनोनयन हुआ था, उसमें भी मांझी जी की पार्टी हमको और मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी को हिस्सेदारी नहीं मिली थी। कल भी जो एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दो छोटे दल जो उनके वीआईपी और हम पार्टी जिनके दम पर सरकार है, उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बैनर भी जो पीछे लगा था उसमें कहीं जिक्र नहीं था दोनों पार्टियों का। तो अब तो सीधे खंजर भोंका है जेडीयू बीजेपी ने मिल करके मुकेश सहनी जी के दिल में और मांझी जी के दिल में। अब ये लोग सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम आज हैं उनके साथ, कल नहीं रहेंगे। कौन देखा, अगर लगातार सुई भोंकेंगे तो हम वहीं क्यों रहेंगे, तो आप स्वागत करेंगे उनका? भाई देखिए, जहाँ तक सवाल है कि महादलित और पिछड़ा समाज मल्ला समाज को अपमानित लगातार एनडीए बीजेपी जेडीयू कर रही है, इसी की लड़ाई तो सामाजिक न्याय जो लड़ाई है, आज उनकी पूछ और वैल्यू वहाँ इसलिए हुई क्योंकि ये लालू प्रसाद जी की देन है लड़ाई का। इनको कौन पूछता था, तो मल्ला समाज निषाद समाज का बेटा को अपमानित किया जा रहा है वहाँ। अब वो सोचे उनको क्या करना है, जो गलती उन्होंने की आज तो पता चल रहा होगा। तो जिस तरह से हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू ये दोनों ए टीम बी टीम है, बाकी लोगों का वहाँ कोई सम्मान नहीं है, अब तो वो दोनों पार्टियाँ, छोटे पार्टियाँ जो हम पार्टी वीआईपी है, वो दोनों मिल करके वो फैसला लेंगे। अब उनका फैसला क्या होता है, पहले वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे क्या करेंगे, तब ना हमारा नेतृत्व फिर इस पर सोचेगा कुछ कहेगा। अभी तो ये हमारा विषय है नहीं, गेंद उनके पाले में। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ हुआ, जीतन राम मांझी के साथ हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बैनर तक नज़र नहीं आया, ये कहीं ना कहीं उन दोनों को चोट पहुंचाने की बात है। और अगर वो पार्टी से अलग होते हैं उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। फिलहाल कर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।